जय माता दी। मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज चैत नवरात्रि के तीसरे दिन मैं आपको सुना रही हूँ माँ चंद्र घंटा की कथा। माँ चंद्र घंटा का स्वरूप कैसा है, माँ चंद्र घंटा की पूजा किन मंत्रों से करें। बंधुओं, पूर्ण विश्वास, सच्ची निष्ठा के साथ यदि आप चैत नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्र घंटा की कथा सुनेंगे तो माँ आपके मन की हर इच्छा पूरी करेंगी। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बोलो माता रानी की जय हो। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है, इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान इही लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सदगति देने वाला है। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए देवी को चंद्र घंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं, वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की है। इसके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्र घंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी हैं। जो व्यक्ति माँ चंद्र घंटा की पूजा करते हैं उन्हें माँ सौम्यता और विनम्रता का आशीर्वाद देती हैं। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। बंधुओं, माँ चंद्र घंटा की पूजा कैसे की जाए? पूजा आरंभ करने से पहले माँ चंद्र घंटा को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। उसके बाद उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र पहनाएं। इसके बाद माँ को कमल और पीले गुलाब की माला चढ़ाएं। इसके बाद मिष्ठान, पंचामृत और मृशिका भोग लगाएं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माता चंद्र घंटा की कथा। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनें। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माँ चंद्र घंटा जरूर लिखें। बोलो चंद्र घंटा माता की जय हो। एक बार दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को क्रोध आया। क्रोध आने के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई
उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अपने अस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुँची। माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को ये आभास हो गया कि उसका काल आ गया। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। इसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार किया। इस प्रकार माँ ने देवताओं की रक्षा की। बोलो चंद्रघंटा माता की जय हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विद्महे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे,
चामुंडाए विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।